हेलो गाइज, तो आज है हमारी संडे Q&A वीडियो और इसमें आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में किए गए कमेंट्स के रिप्लाई इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अरे आप सब लोग बोलोगे भाई आज मंडे है और संडे Q&A आज आप अपलोड कर रहे हो, तो इसका रीज़न बता देता हूं भाई। कल कुछ किसी कारण से मैं वीडियो अपलोड मेरी बन नहीं पाई थी, कहीं बाहर था, इस कारण से आज अपलोड कर रहा हूं। बट रेगुलरली आपको संडे से वीडियो आपको संडे Q&A संडे पर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो कमेंट मत करना कि भाई आज मंडे है संडे नहीं है, तो ठीक है आज के दिन एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। और यार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो यार, ना तो वीडियो को लाइक करते हो शेयर करते हो, हर बार मैं बोलता हूँ 500 लाइक बट आप कभी पूरा करते हो नहीं हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, एटलीस्ट आप वीडियो देखते हो बट आपको सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम होती है कुछ समझ में नहीं आता। बट सपोर्ट करो भाई को और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। पहला सवाल लेते हैं हम, पेपरी मॉक इनका यूजर नेम है, गूगल पे नहीं चलता है, सक्सेस में कोई भी UPI नहीं चलता, तो ये आपको किसने बोला UPI पेमेंट नहीं वर्क होता है सक्सेस के अंदर? भाई मैंने कल ही आपका जो कमेंट रीड किया था उसके बाद मेरे सक्सेस के अंदर मैंने फ़ोनपे और पेटीएम से UPI पेमेंट्स किया, मेरा हो रहा है। एटलीस्ट 6 के अंदर नहीं होता है, iOS 14 चल रहा है 6s के अंदर, आईफोन AC फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी UPI पेमेंट्स वर्क करता है। तो आप आईफोन 6 के अंदर देख रहे होंगे 6 के अंदर वर्क नहीं करता है। और किन लोगों का 6s के अंदर वर्क नहीं कर रहा वो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिन लोगों का वर्क कर रहा है वो भी कमेंट करना, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है हमारा रुचिता शर्मा की तरफ से, व्हाट अबाउट मेमोरी? तो 6s 2021 वाली रिव्यू पे कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा जो स्टोरेज है 32 GB है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा अदिति राज की तरफ से, आईफोन 6s 128 GB गोल्ड कॉस्ट हाउ मच? तो एटलीस्ट सेकेंड हैंड मार्केट की बात करें तो 12K से लेकर 14K तक मिल सकता है, बट इस जगह रेकमेंड करूंगा आईफोन 7 की तरफ जाएं, 128 GB 15,000 के आसपास आपको मिल सकता है, वो अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा जेसस की तरफ से, सर मेरा 11 प्रो मैक्स स्टार्ट विथ N इज गुड और बैड फॉर यूज़? तो N मतलब स्टार्ट हो रहा है, वो रिप्लेसमेंट यूनिट है और कोई दिक्कत नहीं, आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा श्रेया वाईटी की तरफ से, भाई रीसेल करोगे तो मुझे ईमेल करना? यार हर Q&A के अंदर ये एक ना एक कमेंट कोई करता है, भाई रीसेल कर लो या फिर मैं गरीब हूँ मुझे दे दो। तो यार ना तो मैं रीसेल करता हूँ, या फिर आप गरीब हो या कुछ भी हो आपकी सिचुएशन, मैं आपको फ्री में नहीं दे सकता। एटलीस्ट जो मेरी ऑडियंस है 25-26 हज़ार है, तो अगर मैं आपको दूंगा तो फिर उनके साथ धोखा होगा, तो इसलिए मैं किसी को नहीं दे सकता, ठीक है, फ्री में। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आईफोन AC का गिवअवे चल रहा है, जल्दी इसका रिजल्ट निकाल दूंगा सोच रहा हूँ, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा किंग स्लेयर गेमिंग की तरफ से, ब्रो मुझे मेरे पोको X3 से एक्सचेंज मिल रहा है आईफोन 7 प्लस 32 GB, बैटरी हेल्थ 81 है, क्या एक्सचेंज करूं? तो यार आईफोन 7 प्लस तो आप एक्सचेंज कर लोगे बट आपको बैटरी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी, बैटरी हेल्थ जो है 81 पे आ चुकी है, तो यार बैटरी का कॉस्ट एटलीस्ट 3500 यानी 3500 रुपये के आसपास आपको एक्स्ट्रा लग सकता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो तो बाय कर सकते हो। एटलीस्ट मुझे पोको X3 की अभी करंट वैल्यू पता नहीं क्या प्राइस है और कितना GB वेरियंट है क्या है, तो उसके लिए आप इंस्टा पर DM कर लेना, वहाँ पर मैं आपसे बात कर लूँगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा डेविल की तरफ से, भाई मुझे 18K में मिल रहा है 64 GB 82% बैटरी हेल्थ मिल रहा है, क्या मैं ले लूँ? इससे अच्छा मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, 20,000 में आपको आईफोन 8 64 GB मिल जाएगा, ठीक है, ब्रांड न्यू होगा, इंपोर्टेड होगा। अगर बाय करना चाहते हो तो DM जरूर करना इंस्टा पे और काफ़ी अच्छी डील मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा तुषार शर्मा की तरफ से, भाई मेरा एरर आ गया क्या करूँ अब, ठीक है। तो इन्होंने डाउनग्रेड iOS 15 से iOS 14 पे डाउनग्रेड कर रहे थे, इनका कुछ एरर आ गया। तो भाई अगर आपके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो मैं स्क्रीन शेयर करके भले आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो इंस्टा पे DM कर लेना। नेक्स्ट सवाल हमारा रितेश बिशोई की तरफ से, भाई आईफोन 7 है 6 मंथ ओल्ड हुआ है, लेने से अच्छा रहेगा और बैटरी हेल्थ 90% है, भाई प्राइस 15,000 और भाई प्लीज़ रिप्लाई करो थोड़ा जल्दी। ये एक तो भाई आपने स्टोरेज नहीं बताया, आईफोन 7 आपको 6 मंथ ओल्ड हुआ है, ठीक है, आप बता रहो कौन सा कितना GB स्टोरेज है यार, इस कमेंट सेक्शन में भले आप कमेंट कर वापस से रिप्लाई कर देना या मेंशन कर देना, तो मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा फिर, या इंस्टा पे कर लेना अगर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा कृष्णा सिंह की तरफ से, सेल बड़ी से आईफोन 6s लेना सेफ है क्या 13,500 के अंदर 64 GB? हाँ 64 GB चाहिए तो आप ले सकते हो, काफ़ी सही है, बट 13,500 रुपये दे रहे हो इसकी जगह आईफोन 7 बाय करोगे वो थोड़ा काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा ट्रैकएक्स हेडमैन की तरफ से, आईफोन AC के बारे में पूछ रहे हैं अभी के लिए अच्छा है क्या? अगर आपको कॉम्पैक्ट फ़ोन पसंद है या फर्स्ट टाइम अगर आप आईफोन यूज़ करना चाहते हो तो आईफोन AC लेना, ठीक है, वरना मत लेना, बैटरी लाइफ ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है इस फ़ोन का। नेक्स्ट सवाल है हमारा PV व्लॉग्स की तरफ से, रिप्लेसमेंट डिवाइस लेना सही रहेगा? बिल्कुल ले सकते हो रिप्लेसमेंट डिवाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एप्पल के अंदर कोई जैसे आईफोन 12 है कोई इशू आ गया, हार्डवेयर इशू नहीं हो सकता रिपेयर, तो वो भी रिप्लेसमेंट यूनिट ही देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा
ओगी और फौजी की तरफ से इनका यूजर नेम है ब्रो, अंडर 7000 मिल रहा है तो 6 के बारे में पूछ रहे, बिल्कुल भी मत लेना 6, ठीक है। अगर 6 की जगह आईफोन एसी ले लोगे वो ठीक रहेगा, एटलीस्ट आपको अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा, बट 6 बाय मत करो यार। नेक्स्ट सवाल है हमारा श्वेतांक नोटियाल की तरफ से, ब्रो रिफर्बिश्ड आईफोन 7 कहाँ से लेना चाहिए? तो यार मैं प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, जैसे आप टू गुड वगैरह से हैं तो बहुत सी कंप्लेन आती है, बहुत से सब्सक्राइबर्स की जो फ़ोन बाय करते हैं टू गुड से उनकी बैटरी नहीं चलती है, बैटरी हेल्थ जल्दी डाउन वगैरह हो जाती है, जैसे अमेजोन वगैरह ये अच्छे प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ से रिफर्बिश्ड मिल रहा हो तो बाय कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, या फिर यूज्ड ले लो वो अच्छा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट सवाल है मैक इनका यूजर नेम है, इज देयर एनी रिस्क ऑफ लूजिंग द डाटा विल चेंजिंग द बैटरी? या तो बैटरी चेंज में है, कितनी बार ये कमेंट आ चुका है बैटरी रिप्लेसमेंट के अंदर आपका डाटा नहीं लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा प्रिंस चौहान की तरफ से, क्या फ्लिपकार्ट पर फ़ोन अच्छा मिलता है, नकली तो नहीं है भाई प्लीज़ बता देना? तो फ्लिपकार्ट पे भाई मैं खुद भी शॉपिंग करता हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे साथ फ्रॉड वगैरह हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल हमारा राइडर गेमिंग की तरफ से, BGMI के लिए वन प्लस 60 या कौन सा लूँ? तो यार फाइनली अभी अगर आईफोन के बारे में बात करते हो तो आईफोन के अंदर तो अभी आया नहीं है, बट आ जाएगा, अगर आप वन प्लस के बारे में पूछ रहे हो तो वन प्लस ले सकते हो 60 अगर आपको अभी खेलना ही है, ठीक है BGMI, बाकी वेट कर सकते हो तो आईफोन के अंदर भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा MR ABD डिविलियर्स की तरफ से, ब्रो मेरा आईफोन AC फर्स्ट 16GB वेरिएंट है, उसमें अदर स्टोरेज कैसे क्लीन होगा, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन इन Q&A। उसके लिए वीडियो बना रखी है और क्या करूँगा मैं कार्ट में वो वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, आपका अदर स्टोरेज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिरोन डिसोजा की तरफ से, बेस्ट एप्पल वॉच अंडर 25K। तो 25 के अंदर आप अगर यूँ देखोगे आपको तो यूज्ड में भी अगर लेना चाहोगे 24 के अंदर तो सीरीज़ 4 या सीरीज़ 4 मिल सकती है, ठीक है। और बाकी अगर इम्पोर्टेड अगर वॉचेस बाय करनी है आपको AC वगैरह तो उसके लिए भी बताना, इस थोड़ा सा प्राइस अप होगा 28,000 तक, वो भी आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए इंस्टा पे DM करो, फॉलो करो, वहाँ आपको अच्छा रिप्लाई मिल जाएगा। और अच्छी सी अगर आपको कोई भी वॉच बाय करनी है AC है या 6 है तो सही प्राइस में मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ मिल सकती है आपको, तो उसके लिए फॉलो करो यार इंस्टाग्राम पे, फॉलो नहीं करते हो आप लोग यार। नेक्स्ट सवाल है हमारा लिरोन डिसूजा की तरफ से, इनका ही आ रहा है, कैन यू मेक वीडियोज़ ऑन ऑल एसेसरीज नीड टू यूज़ फॉर आईफोन 8 एंड अबव? तो यार एसेसरीज़ के लिए वीडियो अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन पे इतनी कुछ खास एसेसरीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, मैं खुद ऑफलाइन शॉप से ही एसेसरीज़ वगैरह बाय करता हूँ, ठीक है, वहाँ जाता हूँ देखता हूँ क्वालिटी वगैरह, अब ऑनलाइन के अंदर क्या मंगा रहा हूँ ठीक है और क्या निकल जाता है तो ये प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है। बाकी कवर वगैरह हैं वो आप बाय कर सकते हो, जैसे टेम्पर्ड ग्लास वगैरह हो गए तो इन पर मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है ऑनलाइन पर, ठीक है, मैं खुद ऑफलाइन जाके ये एसेसरीज़ जो फ़ोन की एसेसरीज़ है वो करवा लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा ऑलराउंडर वीडियो की तरफ से, इनका यूजर नेम है, ब्रो 6S मिल रहा है, 79% बैटरी हेल्थ है, बाय करूँ क्या? 6500 का मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, ठीक है, पर बैटरी आपको रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी, बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, एटलीस्ट जो बैटरी हेल्थ है वो 79 तक आ चुका है। नेक्स्ट सवाल हमारा जैद अली खान की तरफ से, भाई 6S 64GB इन 11,000 यूज्ड, शुड आई बाय? तो बाय कर सकते हो, बट बैटरी हेल्थ क्या है भाई वो एक बार इसके लिए मेरे को इंस्टा पे DM कर देना या इसी कमेंट के नीचे रिप्लाई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा कुणाल की तरफ से, ब्रो 10R 90% बैटरी हेल्थ है, ले लूँ क्या? तो डेफिनेटली ले लो, काफ़ी सही डील, बट किस प्राइस में बाय कर रहे हो वो भी मेरे को एग्जैक्टली बताना, ठीक है, ऐसा नहीं एक भाई ने बोल दिया और तुम बाय कर लो, बट एक चीज़ जो है उसकी प्राइस सेकेंड हैंड है, फ़ोन मिल रहा है तो आपको एग्जैक्टली जो प्राइस होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट सवाल हमारा रिंकू बजवा की तरफ से, भाई 6 सेकेंड हैंड का क्या प्राइस है? तो यार 6 सेकेंड हैंड 6S से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो एटलीस्ट आपको 6S 8000 9000 10000 के आसपास मिल जाता है मार्केट में देखने के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा इम्तियाज की तरफ से, भाई आईफोन 6S प्लस गेम प्ले के लिए कैसा सही है क्या? तो 6S ले सकते हो पर ज़्यादा उम्मीद मत करो, ठीक है, ज़्यादा इतना अच्छा आपको गेमिंग के लिए अगर बाय करना है तो अगर आप फ़ोन बाय करोगे तो 7 प्लस 7 वगैरह हो गया वो बाय करोगे तो सही रहेगा, ठीक है, और ज़्यादा और बैटरी चाहिए तो फिर X के ऊपर जितनी भी सीरीज है उनमें से आप बाय कर सकते हो, बाकी इनके अंदर आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा यूसुफ खान की तरफ से, ब्रो पहले बार में यूज़ करने के लिए ले रहा हूँ, गेम नहीं खेलूँगा, तो आपके हिसाब से कैसा है? तो यार 6 बाय मत करो यार, मैं कह रहा हूँ 6 पैसा वेस्ट है आपका, एटलीस्ट 6S बाय कर लो, क्योंकि उसके अंदर iOS 14 अभी चल रहा है, iOS 15 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जैसा आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर भी iOS 15 का सपोर्ट अभी मिलेगा नेक्स्ट हमारा
जब नए आईफोन्स लॉन्च होंगे तो एटलीस्ट आपको नया सॉफ्टवेयर तो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ठीक है। जो आप पैसा दे रहे हो यार, एकदम घटिया सा फ़ोन ले लोगे जिसके अंदर UPI पेमेंट्स वर्क नहीं करता, जिनकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं चलती, उन फ़ोन को लेकर क्या करोगे। और मैं 6S भी बहुत कम रिकमेंड करता हूँ, बट अगर आपका बजट इतना ही है तो उसके अंदर यही आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट सवाल है हमारा अजुअल गेमिंग की तरफ से। सर मैंने आईफोन 6 3500 रुपये में लिया है, सर बढ़िया है या नहीं है? यार तो वो अब ले लिया तो अब क्या कर सकते हैं भाई, बाकी फ़ोन के अंदर ऑनलाइन जैसे UPI पेमेंट्स वगैरह ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ इस कमेंट के अंदर, इस वीडियो आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। यार क्यों बाय करते हो ये समझ में नहीं आता। आईफोन 6 लोगों के लिए बाय मत करो यार, एटलीस्ट यार जो चीज़ पैसा दे रहे हो उसके लिए कुछ वैल्यू आपको निकल के आनी चाहिए, बस उस लोगों के चक्कर में अपना पैसा वेस्ट मत करो यार। आज भी लोग आईफोन 5S बाय कर लेते हैं यार। नेक्स्ट हमारा V8C इनका यूजर नेम है। भाई मेरे को आईफोन XS 256 GB बैटरी हेल्थ 89-40K में मिल रहा है, ले लूँ क्या? एप्पल इसको सॉफ्टवेयर सपोर्ट कब तक प्रोवाइड कराएगा ये प्लीज़ बताना। तो भाई ले सकते हो XS 256 GB, अगर आपको 40,000 में मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा डील है। और एटलीस्ट सॉफ्टवेयर की बात करें तो यार जो भी नए आईफोन्स लॉन्च होते हैं अभी फ़िलहाल, तो उनकी बात करें तो 5 ईयर तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तरुण सिंह की तरफ से आ रहा है। भाई 14.6 में मेरा आईफोन एक्स का कैमरा ब्लैक प्रॉब्लम आ रही है, तो 15 की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो ये मैं नहीं कह सकता भाई, हार्डवेयर इशू भी हो सकता है, तो कैमरा अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो कैमरा का इशू भी हो सकता है एज ए हार्डवेयर इशू, तो सॉफ्टवेयर से तो शायद मैं ही नहीं बोल सकता हो जाएगा, ठीक है। बट आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, वापस अगर नहीं होता तो डाउनग्रेड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा नमन गुप्ता की तरफ से। भाई कितने पे कस्टम ड्यूटी लगती है? तो भाई कस्टम ड्यूटी की बात करें तो अगर बाहर से फ़ोन मंगवाओगे तो जितना फ़ोन है उससे डबल चार्ज लग जाएगा, तो ये इनका बाहर से फ़ोन मंगवाना आप छोड़ दो, कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी जितना फ़ोन है उससे ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको इंपोर्टेड फ़ोन बाय करने हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके DM कर सकते हो, वहाँ पे आपको मैं जो शॉप्स हैं वो सजेस्ट कर दूँ। आईफोन XR में विथ हो जाएगा 14.6 से 13। तो भाई ये जो 14.6 से 13 पे जाने की वीडियो थी वो नेक्स्ट ईयर की थी, जब iOS 14 का बीटा चल रहा था। फाइनली अभी चल रहा है 15 का बीटा, 14 पे जा सकते हो, उसके लिए वीडियो बना रखी है मैंने। नेक्स्ट सवाल हमारा आकाश गोस्वामी की तरफ से। भाई फिर भी बताओ ना 732 GB कहाँ से बाय करें, रीफर्विश्ड कौन सी ऐप से? यार मैं किसी प्लेटफॉर्म को ज़्यादा यू प्रेफर नहीं करता रीफर्विश्ड के लिए, क्योंकि मैंने खुद ने बाय नहीं की थी, आपको मैं कैसे सजेशन दे दूँ कि यार यहाँ से बाय कर लो, ठीक है। फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, भाई आपने बोला था इसलिए हमने बाय किया और अब फ़ोन में ये इशू आ रहा है। तो रीफर्विश्ड फ़ोन के लिए मैं कोई ज़्यादा प्लेटफॉर्म में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, जब बाकी अमेजोन वगैरह हैं, और आपका बजट कितना है पहले वो बता देना, भले मैं इंस्टा पे आपको कोई इंपोर्टेड फ़ोन्स जो 7 वगैरह आ रहे हैं वो बता दूंगा, आप वो बाय कर लेना, वो अच्छा रहेगा। तो गाइज ये थी हमारी संडे Q&A वीडियो, मुझे उम्मीद है यार वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।